छिछलापन है। मैं अपने छिछलेपन से आप सब गहरे लोगों को प्रणाम करता हूँ। सर, मैं इलाहाबाद से आया हूँ। इलाहाबाद में गंगा जी ऐसे सूख गई हैं जैसे मैं। और सर, मेरी उम्र जरूर 63 से 65 के बीच में है, लेकिन मुझे फिल्मी अभिनेत्रियां बहुत अच्छी लगती हैं। घर की स्त्री देखने लायक नहीं है सर, नहीं देखते अपना मन। और आपको बताएं सर, एक चीज और बता दें, शादी को 4-5 साल हो गए थे, मेरी पट नहीं रही थी, अब भी नहीं पटती, लेकिन मैंने अपनी पत्नी से कहा हमारा आपका पट नहीं रहा है, तो उसने कहा पट नहीं रहा है तो करवे का तय। हम कहा करेंगे क्या, दूसरी शादी करेंगे। उसने कहा दूसरी शादी करेगा अपना मुंह देख। हमने कहा शादी से मुंह का क्या संबंध, तू मेरा मुंह मत देख, मेरा कॉन्फिडेंस देख। इसलिए सर मैं फुल कॉन्फिडेंस का कवि हूँ, अब इलाहाबाद से आया हूँ, ऐसे सूख गई हैं गंगा जी जैसे मैं सर। तो मैंने भगवान से कहा, और फिल्मी अभिनेत्रियाँ बहुत अच्छी लगती हैं सर, इसलिए कि हम देखते हैं उनको, अच्छी लगती हैं। घर की पत्नी नहीं देखने लायक है, नहीं देखती। तो यहाँ से एक छंद पढ़ता हूँ सर, ये व्याकरण की दृष्टि से एकदम सही है, कोई गलती नहीं निकाल सकता, मगर इसे आप छल छंद कह सकते हैं। छल अच्छा है। कि मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, इसमें जमी हुई है काई कैसे जाएगी। मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, इसमें जमी हुई है काई कैसे जाएगी। मैं सपरेटा के ही दूध जैसा हो गया हूँ, इसमें मुर्रा भैंस की मलाई कैसे आएगी। तो माया जैसी काया लेके कालिमा डटी हुई है, मेरी जिंदगी में रोशनाई कैसे आएगी। माया जैसी काया लेके कालिमा डटी हुई है, मेरी जिंदगी में रोशनाई कैसे आएगी। कैटरीना या करीना मल्लिका बिपाशा जैसी, हाई फाई दूसरी लुगाई कैसे आएगी। यही भजन हम भगवान के सामने पढ़ रहे थे सर, तो हमारी स्त्री ने देख सुन लिया हमको सर, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के तहत उसने एक छंद हम पर पढ़ दिया कि कैटरीना से विवाह चाहते हैं आप नाथ, देह पहले अपनी सलमान सा बनाइए, असंभव अलंकार। कि कैटरीना से विवाह चाहते हैं आप नाथ, देह पहले अपनी सलमान सा बनाइए, और यदि करीना कपूर मन में बसी हैं आप भी तो सैफ अली खान बन जाइए। मल्लिका बिपाशा राखी सावंत भी मिल जाए, पहले तो खली पहलवान बन जाइए। मल्लिका बिपाशा राखी सावंत भी मिल जाए, पहले तो खली पहलवान बन जाइए। और यदि नहीं बन सकते हैं आप नाथ, जाके दरिया में डूब कर मर जाइए। ये है सर, किसी की बेइज्जती हो या आपको हंसी आए, सारे भोजपुर सर यहाँ से शांत हो जाती तो और अच्छी बात थी, मगर एक कदम और आगे बढ़ गई सर। बहुत धार्मिक महिला है मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वो रामचरितमानस भी पढ़ती है, उसको रघुवंशियों का ज्ञान है जिसमें राजा दशरथ थे, और सर भगवत गीता भी पढ़ती है, उसको भरतवंशियों का भी ज्ञान है जिसमें ये राजा युधिष्ठिर वगैरह थे। तो इसको ले जाइएगा, सारे पीछे बैठे हुए लोग इसको कहते हैं चरित्र सुधार यंत्र, ले जाइएगा गाढ़े बखत पर आपके काम आएगा। सागर कि लालच बुरी बला है जान लीजिए श्रीमान, थोड़ा आप करेंगे मैं ज्यादा कर जाऊंगी। पढ़ी लिखी औरत कि लालच बुरी बला है जान लीजिए श्रीमान, थोड़ा आप करेंगे मैं ज्यादा कर जाऊंगी, एक ही लुगाई से काम ना चलाया तो मैं भी सोचने पे मजबूर हो जाऊं।
लालच बुरी बला है जान लीजिए श्रीमान, थोड़ा आप करेंगे मैं ज्यादा कर जाऊंगी, एक ही लुगाई से काम न चलाया तो मैं भी सोचने पे मजबूर हो जाऊंगी। रघुवंशियों के पद चिन्हों पे चढ़ोगे तो मैं भी भरतवंशियों की नीति अपनाऊंगी। रघुवंशियों के पद चिन्हों पे चलोगे तो मैं भी भरतवंशियों की नीति अपनाऊंगी। राजा दशरथ का चरित्र भा रहा है तुम्हें, मैं भी महारानी द्रौपदी हो जाऊं। ये मैं सर इतना पढ़ दिया सिर्फ इसलिए कि आपको थोड़ा सा जोड़ दूं मैं अपने साथ। बस करें फिर बस। अरे नहीं ये कह रहे हैं थोड़ा सा और पढ़ दे सर, पढ़ता हूँ। वाला छंद सुना के देखो। अरे सब सुनाएंगे, पहले सुनने वाले तो तैयार हों। बिल्कुल आप लोग बस मन बनाए रही। मुसीबत ये है सर कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा 50 साल की उम्र के ऊपर के लोग दिख रहे हैं, और ताली 50 के नीचे वाले बजाते हैं। उनकी जिम्मेदारी पीछे वालों, अगर 50 से कम हो तो जिम्मेदारी अपना संभालना। यहाँ से पढ़ता हूँ सर। बैठी चाहिए नहीं क्यों? देखिए मैं सर ये ओरिजिनल पोएट्री का पहला नमूना पढ़ रहा हूँ सर। जी स्वागत। गप मारने के लिए सर बहुत है सर। हाँ, स्वागत है। आ जाएंगे अभी एक श्रृंगार के कवि पढ़ देंगे। मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, साला जुल्फ नहीं नगर पालिका का गोदाम हो गया है क्या। यहाँ से ओरिजिनल पोएट्री शुरू करता हूँ। अपने प्रदेश में एक स्वामी थे सर, यहाँ से वहाँ चले गए ये सोच कर कि इस